महाठग सुकेश चंद्रशेखर की लग्जरी गाड़ियां हो रही है नीलाम, कितनी रखी जाएगी कीमत? चलिए इन सभी सवालों का आपको जवाब देते हैं। महाठग के नाम से मशहूर सुकेश चंद्रशेखर अभी जेल में बंद है, लेकिन उनकी बड़ी गाड़ियां नीलाम होने जा रही हैं। उसकी 12 लग्जरी गाड़ियों की नीलामी 28 नवंबर को बेंगलुरु में की जाएगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा वो विभिन्न संस्थाओं को दिया जाएगा। ये वो संस्थाएं हैं जिनसे सुकेश ने करोड़ों रुपए लिए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटाए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलामी की प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि सभी वाहनों की नीलामी से जो रकम आएगी उससे लोन की भरपाई की जाएगी, जो सुकेश चंद्रशेखर ने कई संस्थाओं से लिया था। अधिकारियों के मुताबिक अब सुकेश पर कुल बकाया रकम 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। अधिकारियों ने आगे बताया कि सुकेश के इन वाहनों को 2018 में तमिलनाडु और केरल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त करके बेंगलुरु लाया गया था। ये वाहन अच्छी स्थिति में है। बेंगलुरु में सुकेश के जिन वाहनों की नीलामी की जाएगी उनमें 11 चार पहिया वाहन शामिल है, यानी कि 11 बड़ी गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल है। ये गाड़ियां हैं BMW M5, रेंज रोवर, जगुआर XKR, साथ ही साथ इनोवा क्रिस्टा, निसान, पोर्शे, टोयोटा फॉर्च्यूनर, बेंटले, रॉयल रोल्स, लंबोर्गिनी और साथ ही साथ और कई बड़ी गाड़ियां इस रेस में शामिल हैं। इसके अलावा सुकेश की एक महंगी डुगाटी डियावेल बाइक भी नीलाम की जाएगी। नीलामी में गाड़ियों की शुरुआती कीमत फिलहाल 2 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार 22 नवंबर को आम जनता को इन गाड़ियों का निरीक्षण करने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बोली लगाने से पहले इन्हें देखने पहुंचेंगे। आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक लोगों को वाहनों का निरीक्षण करने की अनुमति 2 दिन तक दी जाएगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। सुकेश पर रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नियों के साथ 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि उसने इन महिलाओं से कानून मंत्रालय का अधिकारी बनकर मुलाकात की थी। उसने वादा किया कि 200 करोड़ रुपए के बदले वो उनके पतियों को जमानत दिलवाएगा। सुकेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी फिलहाल जांच कर रहा है। आपको बता दें कि ये बात रही सुकेश कौन है, लेकिन खास बात यह है कि अब उसकी बड़ी गाड़ियों को यानी लग्जरी गाड़ियों को नीलाम किया जा रहा है। जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।